न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। झारखंड राज्य के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी की अध्यक्षता में मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में मनरेगा के तहत चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आयुक्त के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समाहरणालय स्थित झारनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभागार में डीआरडीए निदेशक प्रभात कुमार वर्दियार की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अरविंद कुमार शामिल थे। आयुक्त ने मनरेगा के तहत योजनाओं के चयन करने से संबंधित सुझाव पर चर्चा की। मनरेगा योजना के तहत प्रमुख रूप से जल संचयन योजना के क्रियान्वयन को लेकर आयुक्त ने दिशा निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी आदित्य रंजन ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण, कृषि कार्य, कच्चे नहरों में बोल्डर के माध्यम से जल बहाव को कम करना आदि योजनाओं के चयन से मनरेगा मजदूरों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ, जिसका मंच संचालन पश्चिमी सिंहभूम के मेगा हाथूपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र साहिल कुमार ने किया। कार्यक्रम में देश भर से 2000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मंच संचालन के लिए 3 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय का छात्र साहिल कुमार भी शामिल था। साहिल को मुख्य संचालक की भूमिका दी गई थी। साहिल की इस उपलब्धि से विद्यालय के अलावा परिवार के लोग और परिजन और क्षेत्र के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विद्यालय के बच्चे उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लगभग सभी विद्यालयों में देखा गया। शहर के आदर्श नगर पालिका बांग्ला मध्य विद्यालय के बच्चों ने भी सीधा प्रसारण देखा। विद्यालय के प्राचार्य असीम कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों ने देखा। कक्षा 7 और 8 के छात्र जिन्हें बोर्ड की परीक्षा में शामिल होना है, वह काफी प्रभावित नजर आए। परीक्षा के प्रति बच्चों का उत्साह बढ़ा है। ये है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल गए इसका मतलब यह है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यपालक आदेश के तहत सार्वजनिक अवकाश दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्म भूमि रही है। भारत को आजादी दिलाने में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। आज के युवा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पदचिन्हों पर चलकर राज्य और देश सेवा में अपना योगदान करना चाहिए। गौरतलब है कि 2014 तक पिछले कई वर्षों में 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश दी जा रही थी, परंतु वर्ष 2015 से 2019 तक 23 जनवरी के दिन मिलने वाली छुट्टी बंद हो गई थी। खरीफ विपणन वर्ष 2019 के तहत धान अधिप्राप्ति को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 17 जनवरी को हुई बैठक में दिए गए निर्देश की समीक्षा की गयी। बैठक में उपायुक्त ने सभी बीडीओ और एमओ को अपने क्षेत्र में स्थित धान अधिप्राप्ति केंद्र का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। साथ ही निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने धान अधिप्राप्ति केंद्र पर फसल बेचने वाले किसानों को धान अधिप्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अधिप्राप्ति रसीद का सत्यापन जनसेवक, लैंप्स के सचिव और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभी प्राप्ति रसीद सत्यापन के बाद किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य PFMSK द्वारा भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन की ओर से जिले में फसल की खरीदारी के लिए 21 धान अधिप्राप्ति केंद्र खोले गए हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय युवा महोत्सव के दूसरे दिन 12 तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ग्रुप सॉन्ग इंडियन इवेंट से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें 5 महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आज ग्रुप सॉन्ग वेस्टर्न स्केट, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, कार्टूनिंग, क्ले मॉडलिंग, हिंदी व इंग्लिश डिबेट, फोक डांस, रंगोली, कोलाज, मिमिक्री, मोनो एक्ट सहित अन्य तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समारोह में कोल्हान विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर KN प्रधान, डॉक्टर SP मंडल, महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आशा मिश्रा के अलावा शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे। इंडियन ग्रुप सॉन्ग में विमेंस कॉलेज जमशेदपुर की टीम प्रथम रही, जबकि स्किट में करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर के आकाश कुमार झा की टीम प्रथम स्थान पर रही। ऑन द स्पॉट पेंटिंग में कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के सन्नी शर्मा प्रथम रहे। कार्टूनिंग में MMTC चक्रधरपुर की पूजा पॉल प्रथम रही। हिंदी डिबेट में करीम सिटी कॉलेज और अंग्रेजी डिबेट में LBSM कॉलेज के प्रतिभागी प्रथम स्थान पर रहे। कोलाज में श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन की कुमारी रीता प्रथम रही। नगर परिषद बोर्ड की बैठक कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय हुआ कि नगर परिषद द्वारा बनाए गए सभी सामुदायिक शौचालय को जो खराब स्थिति में है उसे दुरुस्त करते हुए किसी NGO के माध्यम से संचालित किया जाएगा। जोड़ा तालाब के किनारे लोगों द्वारा कचरा फेंका जा रहा है, इसके लिए वार्ड नंबर 4 और 8 में डस्टबिन रखने की व्यवस्था की जाएगी। जोड़ा तालाब के किनारे खुले में शौच करने वाले और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर परिषद सख्त कार्रवाई करेगा। मंगला हाट में एक बार फिर से सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना के लंबित काम को पूरा करने के लिए पुनरीक्षित प्राकलन पर कार्य पूर्ण कराने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वार्ड नंबर 15, 16 और 17 में सड़क और नाले निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। जहां तहां कचरा फेंकने वालों होटल मालिकों के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई करने का मन बनाया है। आज की बैठक में ऐसे होटल मालिकों से दंड वसूलने का निर्णय लिया गया है। कोर्ट रोड का बंदोबस्ती करते हुए दो पहिया वाहन से 5 रुपए और 4 पहिया वाहन से 20 रुपए लेने का निर्णय लिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।